दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द चिमनी स्वीपर। ये पोएम है विलियम ब्लेक की। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को चिमनी स्वीपर का मतलब बता देता हूँ। इंग्लैंड में क्या है, ठंड बहुत होती है, तो ज़्यादातर घरों में चिमनी होती है कुछ इस टाइप की। इसमें आग जलाकर खुद को गर्म रखा जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम इस चिमनी की सफाई भी करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये चिमनी इतनी छोटी होती है कि इसमें एक आदमी तो नहीं जा सकता, आदमी तो इसमें नहीं घुस सकता, तो बच्चों से ही इस चिमनी को साफ करवाया जाता है। एक्चुअली करवाया जाता था, आज ऐसा काम नहीं करवाया जाता। तो जब ये करवाया जाता था तो बदले में उनको पैसे मिलते थे, लेकिन ये चीज़ एक तरह का चाइल्ड लेबर हो गई। तो हमारे पोएट विलियम ब्लेक इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो वो अपनी इस पोएम में आयरनिकली इस चिमनी स्वीपर वाले काम के लिए लिखते हैं कि अ लिटिल ब्लैक थिंग अमॉन्ग द स्नो, कि अपने चारों तरफ सर्दियों की सफ़ेद सफ़ेद बर्फ के बीच में एक काली सी चीज़, एक ब्लैक थिंग अमॉन्ग द स्नो। ये ब्लैक थिंग किसको बोला है? वो चिमनी स्वीपर, वो बच्चा जो चिमनी साफ करने के बाद कालिक से काला हो गया है और वो बर्फ़ के बीच में दौड़ रहा है गलियों में, और क्राइंग वीप वीप इट नोट्स ऑफ वो। दोस्तों, वो चिल्ला रहा है, वीप वीप चिल्ला रहा है, मतलब वो गलियों में वीप वीप चिल्लाता हुआ भाग रहा है। वीप वीप मतलब स्वीप स्वीप, ताकि कोई उसकी आवाज़ सुने और उससे अपनी चिमनी साफ करवा ले। दोस्तों, उसकी आवाज़ के अंदर एक दर्द है, ऐसा बोल रहे हैं पॉइंट यहाँ पे। एंड नोट्स ऑफ वो का मतलब उसकी आवाज़ में एक दर्द है। Where are thy father and mother? Say, तो जब वो ऐसा कर रहा था, वो लड़का गलियों में भाग रहा था, स्वीप स्वीप चिल्लाता हुआ, वीप वीप चिल्लाता हुआ, तो किसी ने उससे पूछा, उसको रोक करके पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं लड़के? तो उस लड़के ने जवाब दिया, they are both gone up to the church to pray, कि वो दोनों जने, मतलब मेरे माँ बाप, वो दोनों चर्च गए हैं गॉड के आगे प्रे करने। अब दोस्तों, यहाँ पे कितनी आयरनिक लाइन है ये, कि बच्चा तो यहाँ लोगों की चिमनियाँ साफ करता फिर रहा है और माँ बाप गए हैं चर्च भगवान को खुश करने। और आगे वो बच्चा बोलता है, बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ एंड स्माइल अमॉन्ग द विंटर स्नो, क्योंकि मैं खेलता था, कूदता था, खुश रहता था इस विंटर की स्नो के बीच में, स्नो भी मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती थी और मैं स्माइल करता था स्नो के अंदर भी, इतनी ठंड के अंदर भी, कुल मिलाकर मैं खुश रहता था। दे क्लोथ मी इन द क्लोथ्स ऑफ डेथ, तो उन्होंने क्या किया, मेरे माँ बाप ने क्या किया मुझे, उन दोनों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, मुझे ये डेथ के कपड़े पहना दिए, क्लोथ्स ऑफ डेथ मुझे पहना दिए, ये चिमनी स्वीपर वाले काले काले कपड़े मुझे पहना दिए, एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और मुझे ये दुख भरा गाना गाना सिखाया, वीप वीप वाला। मतलब वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे माँ बाप ने ही मुझे ये काम में लगाया है, ये चिमनी स्वीपर वाले काम में, उन्होंने मुझसे कहा कि जाके चिमनी साफ करो, एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, कि मैं अब जब यहाँ पे काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ, काम करते करते डांस करता हूँ, गाता हूँ, कुल मिलाकर अपने काम करने में भी मैं खुश हूँ, सो दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, तो उनको ऐसा लगता है, मेरे माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, इसको चिमनी स्वीपर वाले काम में लगा के, क्योंकि उनको मेरी यहाँ पे भी खुशी दिखती है, ये काम करते हुए भी मेरी खुशी दिखती है, तो वो सोचते हैं कि हमने कुछ इसके साथ गलत नहीं किया इस काम में लगा के इसको। एंड दे आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रेस्ट एंड किंग, और इसलिए वो लोग गॉड के पास, प्रेस्ट के पास, किंग के पास गए हैं, हु मेक अप अ हेवन ऑफ आवर मिजरी, जिन्होंने हमारे दुख को, हमारे दुखों को खुशी में बदल दिया। तो ये थी पोएम। अब दोस्तों, वैसे आज तो खैर ऐसा कुछ रिस्की काम नहीं करवाया जाता बच्चों से चिमनी साफ करवाने का, लेकिन विलियम ब्लेक के टाइम पर करवाया जाता था। यहाँ पर दोस्तों, विलियम ब्लेक ने सिर्फ उस बच्चे के माँ बाप पर सटायर नहीं किया जो पैसे के लिए अपने बच्चे से ऐसा काम करवा रहे हैं, बल्कि रिलीजन पर भी सटायर किया है जो ऐसे लोगों को ऐसा काम करने के लिए अलाउ कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी पोएम
आज की वीडियो में बस इतना ही।